अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्त इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2 अक्टूबर 2020 आज सुबह से लेकर रात तक की अपडेट को। जी हाँ दोस्तों, इस समय एक बड़ी अपडेट आ रही है। लो आ गई बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। DLED 2017 बैच, 2018 बैच, 2019 बैच लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। DLED प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2020 को लेकर बात होगी इस वीडियो में। उसके बाद DLED छात्रों का धरना प्रदर्शन, क्या निकला नतीजा उसको देखेंगे। PNP ने 200 छात्रों के साथ किया सबसे बड़ा धोखा। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट है, नई शिक्षक भर्ती से दोस्तों बैक पेपर छात्र 2018 बैच छात्र बाहर। अब कैसे दोस्तों ये बच्चे बाहर हो जाएंगे, देखिए इस समय दोस्तों आपको पता चला होगा कि जैसे कि भर्ती आई है PGT सहित दोस्तों कई पदों पर बंपर भर्ती। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती कहाँ से आई है? आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। कुल दोस्तों 8000 पदों पर यह वैकेंसी आई है, ठीक है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए DLED छात्रों को भी मौका दिया गया। लेकिन दोस्तों कोई भी भर्ती आती है तो सिंपल सा नियम होता है दोस्तों, जो बच्चे DLED कंप्लीट कर चुके हैं उन्हीं को मौका मिलता है। अगर दोस्तों समय से DLED 2018 बैच कंप्लीट हो जाता तो DLED 2018 बैच को भी इस भर्ती में मौका मिल जाता। लेकिन दोस्तों कोरोना वायरस तो देखिए बाद में आया है, लेकिन अगर जो सेशन है ना जो समय से शुरू होता है, इनका दोस्तों सेशन 2018 से स्टार्ट हो चुका था लेकिन दोस्तों अब तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया। तो 2018 बैच पूरा बाहर होता है इस नए शिक्षक भर्ती से। तो गाइस ये बड़ी अपडेट है इस समय की। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे UPTET 2019 की सुनवाई जल्द होगी, अर्जेंसी एप्लीकेशन डाला गया है, 3 नंबर बढ़ने की प्रबल संभावना। इसको जरा ध्यान से सुनिए, UPTET 2019 मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है, 2020 खत्म होने को आ गया दोस्तों लेकिन 2019 वाला मामला आज भी कोर्ट में चल रहा है। तो आप समझ रहे ना कि अगर कोई मामला कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट के चक्कर में फंसता है तो दोस्तों वो कैसे बढ़ता रहता है। मतलब दोस्तों आज भी बच्चे इंतजार करें कि आज 3 नंबर बढ़ जाए तो हम कम से कम पास तो हो जाएंगे। ये दोस्तों स्थिति है आज के डेट में हमारे देश में कि बच्चे साल भर से इंतजार कर रहे हैं, कोई दोस्तों उन पर सुनवाई नहीं हो रही है। अब दोस्तों ऐसी सुनवाई का फायदा भी क्या है कि जब एक साल बीतने को आ गया अभी तक दोस्तों मामले की सुनवाई कंप्लीट नहीं हुई है। अब दोस्तों PNP ने छात्रों के साथ क्या धोखा क्या, देखिए काफी छात्र दोस्तों इस समय कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पर, जितना भी हो सकता है बच्चे प्रयास कर रहे हैं कि PNP में दोस्तों किसी ना किसी अधिकारी से बात हो जाए, कोई भी बंदा बात करे PNP से छात्रों से। तो दोस्तों अभी तक काफी छात्रों ने बात किया लेकिन उसका नतीजा क्या निकला उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चे बात कर रहे हैं, देखिए फोन कॉल की जा रही है, उसका दोस्तों जो हल आ रहा है ना वो पता क्या आ रहा है, उसका दोस्तों हल ये आ रहा है कुछ कि आप लोग अभी भाई जो भी सेमेस्टर है उसकी आप तैयारी करें, उसके बाद आगे का देखा जाएगा। तो दोस्तों ये कोई हल होता है, ये कोई सलूशन है कि आप जो भी सेमेस्टर है उसकी तैयारी करें फिर देखा जाएगा? क्या देखा जाएगा, अभी क्यों नहीं देखा जा रहा, इस पर बात होनी चाहिए ना। एक और अपडेट पहले मैं आपको दे दोस्तों, जो कि इस समय देश की सबसे बड़ी अपडेट है, हाथरस। जी हाँ दोस्तों, इस समय हमारे देश की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हाथरस से चल रही है। तो देखिए हाथरस में चल रहे बवाल के बीच CM योगी का ट्वीट आया, ऐसा दंड मिलेगा जो उदाहरण होगा। क्या दोस्तों दिल्ली गैंग रेप में दंड बड़ा नहीं मिला था, चार लोग थे चारों को फांसी दे दी गई, उससे बड़ा दंड क्या हो सकता है? तो गाइस ये कहने की बात है। लेकिन एक और अपडेट आपके सामने रखते हैं, #ABP को मत रोको। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे आज ABP न्यूज पर दिन भर क्या हो रहा है कि वहां पर जो भी मीडिया कर्मी है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं गाँव में लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, उनके परिजन से मीडिया कर्मी बात करना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था। ऐसा दोस्तों आप पहली बार हो रहा होगा कि आप पीड़ित के घर वाले से भी मिलने की इजाजत नहीं हो रही है, क्या हो रहा है दोस्तों हमारे देश में? आप लोग दोस्तों सोशल मीडिया पर सपोर्ट करिए, नहीं तो क्या हो रहा है इस समय भगवान ही जाने गाइस, ठीक है, क्या है दोस्तों शासन? देखिए इस समय की एक और बड़ी अपडेट है कि जो निर्भया को इंसाफ दिलाने वाली सीमा लड़ेंगे हाथरस की बेटी का केस। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है, ठीक है, इतने हाई प्रोफाइल वकील दोस्तों यहाँ पर लग रहे हैं। और उसके बाद देखिए हाथरस कांड के खिलाफ दोस्तों लखनऊ में उग्र हुए सपाई, जोरदार प्रदर्शन, लाठीचार्ज। जी हाँ दोस्तों, सोचिए कि अब सपा के कर्मी भाई प्रदर्शन तो करेंगे ही ना, इतना बड़ा मैटर हुआ है, तो उसके बाद दोस्तों सरकार क्या करती है, उन पर लाठी चार्ज कर देती है। देखिए लाठी चार्ज उन पर होना चाहिए जिन्होंने रेप किया है। जी हाँ दोस्तों, उन पर लाठी चार्ज नहीं किया जाता लेकिन दोस्तों जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उन पर लाठी चार्ज कर दिया जाता है। तो गाइस क्या हो रहा है देश में, आपको सब कुछ पता चल रहा होगा। देखिए कभी कभी कुछ चीजें जब आपके साथ होती हैं तब आप उसको बहुत ही अच्छे से महसूस कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है।
आज 200 डीएलएड 2018 बैच के छात्र से पूछे जिन बच्चों की बैक लगी है वो क्या सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन बच्चों की पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता, लेकिन जो बच्चे पास हैं भाई वो तो खुश हैं कि वो प्रमोट हो गए हैं। लेकिन दोस्तों जो बच्चे फेल भी हुए हैं ना, वो एक या दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर से फेल हुए हैं। ऐसा नहीं दोस्तों वो बच्चे जीरो नंबर पाकर फेल हो गए। लेकिन गाइस ये अन्याय हो रहा है, ठीक है, हमें आंख नहीं बंद करना है, हमें आंख को खोलना है, उनकी आवाज़ को उठाना है। नहीं तो दोस्तों देखिए ऐसा ही होता रहेगा। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होंगे कुछ नहीं होने वाला गाइस, कम से कम आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें तो बेहतर होगा। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे गाइस, और आपको भी देखिए अभी मेहनत करना है। एक बात और है, अभी देखिए अगर आप डीएलएड 2018 बैच के बैक पेपर के छात्र हैं तो फिलहाल दोस्तों आपको अपने थर्ड सेमेस्टर की तैयारी जोर शोर से करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों फोर्थ पे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे उसके लिए दोस्तों जो अभियान है वो चलता रहेगा, उसमें कोई तरह से रुकावट नहीं आने वाली। लेकिन आप अपनी पढ़ाई कमजोर मत करिएगा, ठीक है ना, कि आप किसी के चक्कर में। दोस्तों काफी बच्चे कह रहे सर अब पढ़ने का मन नहीं लगता, अरे ये कोई बात नहीं हुई कि आपके पढ़ने का मन नहीं लग रहा, गलती कोई और करे और खामियाजा दोस्तों आपको भुगतना पड़ेगा। कल को दोस्तों आप थर्ड में भी फेल हो जाएंगे तो फिर आपके लिए ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। कम से कम दोस्तों आपको अच्छी मेहनत करनी चाहिए, इस समय जितना हो सके आप मेहनत करिए और अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। क्या कर सकते हैं गाइस, अब लापरवाही तो ये सरकार करेगी लेकिन उसका खामियाजा सिर्फ आपको भुगतना पड़ेगा। और इसमें देखिए एक बात और बता दें, यहाँ पर दोस्तों किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होने वाली। जैसा कि दोस्तों अपडेट आ रही थी कि हाथरस के डीएम एसपी को सस्पेंड किया जा सकता है, वहां तो चलिए ठीक है किसी का नाम तो लिया गया कि इनको सस्पेंड करके हटाएंगे, लेकिन दोस्तों ये पीएनपी में नहीं होता। आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपको दोस्तों ये बाहर कर रहे हैं, आपको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसी की जिम्मेदारी तय होने वाली, ऐसा यहाँ नहीं होता। तो आप लोग भी समझदार बनिए गाइस, अपनी मेहनत करिए, बाकी देखते हैं दोस्तों जो भी होगा अपडेट्स हम आपको करेंगे। मामला कोर्ट में जाएगा तो उसकी भी अपडेट्स आएंगी, ठीक है दोस्तों। धरना प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं छोटा मोटा, लेकिन उससे कोई हल नहीं निकल रहा है। हल क्या निकलेगा दोस्तों, हल में तो सबको यही चाहिए कि सबको या तो प्रमोट करें, या तो भाई 2018 बैच के बैक पेपर छात्रों की ये डिमांड है, या तो सबका प्रमोट हो या तो फिर किसी को प्रमोट ना करें। तो दोस्तों देखेंगे क्या क्या होता है। बाकी जो बच्चे 2017 बैच के पुराने छात्र हैं उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब प्रमोट की बात आई थी तो इनको सबको प्रमोट कर देना चाहिए था, जो बच्चे 2015 बैच के थे या जो भी थे, ठीक है, मामला खत्म हो जाता, बात ही खत्म हो जाती। प्रमोट दोस्तों उनकी बात होती, किसी बैक पेपर को प्रमोट करने की बात नहीं हो रही है। बैक पेपर का मतलब समझिए, अगर मान लेते दोस्तों आपकी एक विषय में बैक है कि मैथ में, मान लेते आप गलती से फेल हो गए, तो आप मैथ का पेपर लीजिए, बात खत्म करिए ना। अब मैथ में आप फेल हैं तो दोस्तों इससे पूरा थर्ड सेमेस्टर प्रभावित हो जाए, ये तो बात सही नहीं है ना। तो बैक हुआ है तो बैक का पेपर ले सकते हैं, चलिए ठीक है, जब नंबर आ जाएगा बैक पेपर का उसके बाद दोस्तों आगे नंबर जोड़ दीजिएगा, वो एक बेहतर विकल्प होता है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जिन बच्चों की बैक आई उनको दोस्तों पूरा सेमेस्टर ही बैक मान लिया गया, ये गाइस बिल्कुल गलत है। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। कम से कम दोस्तों आप अवेयर हो गए कि यार ये गलत हो रहा है। सोशल मीडिया पर दोस्तों आपके लिए बातें हो रही हैं, अच्छी बातें, और उम्मीद करेंगे दोस्तों कि जो ये सरकार है जल्द से जल्द जागे और आपके लिए दोस्तों कुछ ना कुछ करें। जी हाँ दोस्तों देखिए, पावर सिर्फ और सिर्फ सरकार के हाथ में होती है, एक बात याद रखिएगा। कुछ भी दोस्तों छोटा सा छोटा मैटर होता है आपके राज्य में, उसके लिए सरकार ही उत्तरदायी है। अच्छा काम होगा दोस्तों सरकार को तारीफ मिलेगी, बुरा काम होगा तो सरकार की निंदा होगी, ठीक है। अच्छा काम करते हैं तो भाई हम लोग तारीफ भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब प्रमोट हुए थे दोस्तों उस समय सरकार को काफ़ी तारीफें मिली थी, सभी बच्चे काफ़ी खुश थे, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि नहीं, ये प्रमोट सिर्फ उन छात्रों को कर रहे जो बच्चे पास हैं। या दोस्तों ये प्रमोट का एक नियम और बना सकते थे, ये भी होता तो भी ठीक ठाक होता, बहुत अच्छा तो ना होता। या तो दोस्त ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर या तो सेकंड सेमेस्टर के आधार पर प्रमोट करते तो भी एक अच्छा विकल्प होता। चलो ठीक है, फर्स्ट में पास है फर्स्ट के हिसाब से थर्ड में नंबर ले लिए, या सेकंड में पास है सेकंड के हिसाब से थर्ड में ले लिए। लेकिन दोस्त ये एक ऐसा नियम बनाते हैं जो कि बिल्कुल सबके समझ से परे हो गया। UGC के गाइडलाइंस आई थी दोस्तों, अगर इनको गाइडलाइंस लिखनी नहीं आती थी, समझ में नहीं आता था कि गाइडलाइंस क्या होता है, तो दोस्त ये UGC के दिशा निर्देशों को कॉपी पेस्ट कर सकते थे, मामला खत्म होता। लेकिन दोस्तों ये अपने हिसाब से अपनी गाइडलाइंस बनाते हैं जिसमें दोस्तों काफ़ी बड़ी बड़ी खामियां हैं, और उसका जो चीज़ें हैं ना बच्चे भुगतेंगे खामियां जब। तो गाइस ये सब हो रहा है तो कम से कम आप लोग अवेयर रहिए। हाथरस का दोस्तों आप बवाल देख रहे हैं कि दोस्तों कैसे शासन प्रशासन पूरी ताकत लगा दिए कि बात को दबा दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, मीडिया को नहीं पहुँचने दिया जा रहा है, और वैसे दोस्तों काफ़ी बार होता है कि मीडिया बिक चुकी है, लेकिन आज सभी को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि दोस्तों ABP न्यूज़ एक बड़ी मुहिम चला रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक गोदी गोदी मीडिया होता था ABP न्यूज़ को लेकर, लेकिन कम से कम देर आए दुरुस्त आए,
ठीक है, अगर दोस्तों कहीं होता है ना कि कभी कभी कोई अच्छा काम करे तो हमें उनका सपोर्ट भी करना चाहिए। हर मुद्दों पर दोस्तों हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं यार ये तो ये अच्छा काम कर रहे हैं, उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। बाकी दोस्तों पीएनपी की लापरवाही का नतीजा आपके सामने है। 2018 बैच कब तक सब कुछ पेपर वेपर हो गया होता तो कम से कम दोस्तों आप लोग नई शिक्षक भर्ती की तैयारी करते, 8000 पदों पर वैकेंसी है। हो सकता है कि एक ना एक बच्चा तो नौकरी ले जाता है ना, 10 बच्चे नौकरी ले जाते हैं, लाखों बच्चे हैं 18 बैच में, एक दो बच्चे थोड़ी नहीं है। तो ये सब हो रहा है, तो अगर दोस्त ये ऐसे ही लापरवाही करते रहेंगे तो देखिएगा आने वाले टाइम में अगर जो यूपी की बड़ी बड़ी वैकेंसी आती है ना 40,000 50,000, उससे भी दोस्त ये 2018 बैच को बाहर करा देंगे। तो गाइस आप लोग फिलहाल ठीक है, ध्यान दीजिए ऐसी चीज़ें ना होने पाए। एक बात और है, आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि मामला कोर्ट में जाएगा तो क्या पूरे पेपर पर स्टे लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे पेपर को रोक दिया जाता है, क्योंकि दोस्त यहाँ पर छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है जो कि सबको दिख रहा है। आप किसी भी कॉलेज के टीचर से बात करेंगे तो वो कहेंगे नहीं ये नियम हमने थोड़ी नहीं बनाया, हम थोड़ी नहीं कर रहे हैं, ये तो दोस्तों जो बनाए उनसे आप बात करिए। समझ रहे हैं गाइस, समझिए क्या हम कहना चाह रहे हैं। अगर आज आप एक डायरेक्ट कॉलेज में भी फ़ोन करते होंगे, अपने कॉलेज में संपर्क करिए, कहिए सर ये नियम गलत है, तो वो ये कह देंगे कि ये नियम हमने थोड़ी नहीं बनाया है, जिन्होंने बनाया है उनसे आप बात करिए। मतलब समझिए, उनको भी दोस्तों ये लगता है कि ये नियम गलत है, सबको लग रहा है ये नियम गलत है, लेकिन सिर्फ बनाने वालों को ऐसा लगता है कि नहीं ये नियम सही है। उसी के चक्कर में दोस्तों यही हुआ है कि हजारों छात्रों का जो भविष्य है वो दांव पर लग गया है। वो बच्चे नए शिक्षक भर्ती में पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, बच्चों में इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट किए, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही। देखिए सिर्फ बात ये प्रमोट करने की नहीं है, बच्चे मानसिक तौर पर परेशान है दोस्तों, ये ज़्यादा बड़ा मैटर है कि बच्चों को ये डिप्रेशन में झोंकना चाहते हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। कम से कम दोस्तों ऐसे प्रमोट हो जाते, क्लियर तो होता ना कि हम क्या करेंगे आगे। लास्ट टाइम में दोस्त आप बोल देते हैं कि आप प्रमोट नहीं हो सकते, सिर्फ 5 बच्चों को प्रमोट करेंगे, इससे अच्छा है कि किसी को ना करते, कम से कम बच्चों में कन्फ्यूजन तो पैदा ना होती ना। तो गाइस ये सब हो रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि आप लोग की आवाज़ बुलंद होती रहे। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोग पास हैं तो अच्छी बात है। देखिए एक बात याद रखिएगा गाइस कि कुछ चीज़ें हमें तभी समझ में आती है जब वो चीज़ हमारे साथ होती है। ठीक है, होता है ना कभी कभी दोस्तों किसी के मतलब सामने वाले दोस्त को कभी कभी एक्सीडेंट हो जाए, उसके पैर में काफ़ी चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो आपको उसके दर्द का एहसास नहीं होगा। लेकिन गलती से दोस्तों कभी आपको अपनी उंगली में ही चोट लग जाए ना, तो दोस्तों आपको पता चलता है अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो बात वही है गाइस कि जब तक कोई चीज़ आपके साथ नहीं होती, आपको समझ में नहीं आती, तो आपको क्या करना है, अगर आप 2018 बैच के पास कैंडिडेट भी है ना, तो भी दोस्तों आप अपने दोस्तों का सपोर्ट करिए, क्योंकि आपका प्रमोट रुकने वाला नहीं है। प्रमोट दोस्तों कोरोना की वजह से हुआ है, वो प्रमोट रहेगा, तो ये दोस्तों नियमों में बदलाव करके सबको प्रमोट कर देंगे तो बेहतर होगा। देखिए गाइस आने वाले टाइम में जो आपका कंपटीशन होगा, जो आपकी असली वाली फाइट होने वाली है, वो डीएलएड वर्सेस बीएड की होगी। ठीक है, कभी दोस्तों आप लोग आपस में मत लड़िए कि डीएलएड वर्सेस डीएलएड करें। आने वाले टाइम में दोस्तों डीएलएड के छात्र एक तरफ होंगे, बीएड के छात्र एक तरफ होंगे। जब भर्तियाँ निकलेंगी ना, तब दोस्तों काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को। लेकिन अभी से दोस्तों क्या हो रहा है कि डीएलएड के छात्र आपस में ही लड़ रहे हैं कि यार हमको प्रमोट कर दिया, हमारा प्रमोट कैंसिल ना हो जाए। 2019 बैच का आप छात्र हैं तो भी आपको ध्यान में रखना है गाइस कि सेकेंड सेमेस्टर में इन्होंने आपको प्रमोट तो कर दिया, बोल तो दिया 100% आपको प्रमोट किया गया है, कल को दोस्तों आपके सेकेंड सेमेस्टर में बैक आ जाएगी, तब क्या होगा। ठीक है, कहीं नियम में नहीं लिखा कि तब क्या होगा। नियम में दोस्तों कुछ चीज़ें स्पष्ट से मतलब लिखी जानी चाहिए कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर कल हमारी बैक आएगी तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना प्रमोट करने में। पता चले दोस्तों ये प्रमोट कल आज आप हो जाते हैं, कल आपको ये कैंसिल कर दें कि नहीं आप तो फेल हो गए, एक फेल का मतलब, एक विषय में फेल का मतलब सेमेस्टर बैक होता है। तो गाइस समझदार बनिए, आपको सपोर्ट करना है आपके हर एक भाई बहन का, हर एक दोस्त का, ताकि वो भी बच्चे आपके साथ प्रमोट हो जाएं और वो भी आपके साथ पेपर दें। जी हाँ दोस्तों, आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा कि यार आपका दोस्त आपका होता है ना कि यार वो आप थर्ड का पेपर देगा, आप फोर्थ का देंगे, ये सब चीज़ें गाइस हैं। बाकी अगर आप लोग यूनिटी में रहेंगे गाइस तो कभी आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। तो ये एक अच्छी खासी भर्ती आपके हाथ से निकल रही है, इसका दुख तो हमको ज़्यादा हो रहा है, आपको हो रहा है कि नहीं, आपको तो हमसे ज़्यादा ही होगा गाइस। लेकिन कभी कभी वैकेंसी आती है और उसके बाद मौका नहीं मिले ना, तो ज़्यादा दुख होता है। तो ठीक है, आप लोग मेहनत करिए गाइस, जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। और इस वैकेंसी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो अभी वीडियो के बाद में आपको एक लिंक मिलेगा, उसको देखिएगा। ठीक है, तो कौन सी वैकेंसी है, कैसे कैसे आपका मतलब क्या क्या होना है, सब कुछ उसमें आपको मिलेगा।
तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल दोस्तों आज सुबह से लेकर रात तक धरना प्रदर्शन ये सब चलता रहा, लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है कि ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, ठीक है ना, क्योंकि जानते हैं आप लोग सरकार के पास पावर है। और फिलहाल दोस्तों ये नियम बन चुका है, तो मामला कोर्ट में ही हो सकता है कि फाइनल हो पाए, देखते हैं क्या क्या होता है। और दोस्तों जो अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। गुड नाइट, शुभ रात्रि।